का खाया हुआ नाक से निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने ग्राम पंचायत का नाम भूल रहा हूँ, हमारे MLA साहब के दामाद है कंगरिया। 9 करोड़ के काम का भुगतान हो गया और काम कहीं हुआ ही नहीं, ऐसा भी कहीं होता ही नहीं। 9 करोड़ का भुगतान उठा गया और 9 रुपए का भी काम नहीं हुआ। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद संभालते ही अपने विरोधियों के काले कारनामों का चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। बाबा करौली पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान पूर्व मंत्री रमेश मीणा के दामाद पर गंभीर आरोप लगा दिए। किरोड़ी के मुताबिक रमेश मीणा के दामाद ने ग्राम पंचायत में 9 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। किरोड़ीलाल मीणा ने सपोटरा के पूर्व विधायक और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा का नाम लिए बिना कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाई जाएगी। उनका एक दामाद है जिसने डंगरिया ग्राम पंचायत में बिना काम करवाए ही 9 करोड़ रुपए के फर्जी बिल का भुगतान उठा लिया। बाबा ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री का सहयोग किया है उनकी भूमिका की भी जाँच करवाई जाएगी। का खाया हुआ नाक से निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैंने ग्राम पंचायत का नाम भूल रहा हूँ, हमारे MLA साहब के दामाद है कंगरिया। 9 करोड़ के काम का भुगतान हो गया और काम कहीं हुआ ही नहीं, ऐसा भी कहीं होता ही नहीं। 9 करोड़ का भुगतान उठा गया, 9 रुपए का भी काम नहीं हुआ। इनकी जांच करनी, इनको जेल के सीख चोर भेजना और पैसा जनता तक भेजना। सुन लो, अभी 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 राजस्थान में गहलोत साहब की विदाई हुई है तो 5,56,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गया है, एक पैसा भी तिजोरी में नहीं है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोदी जी से मिलकर TRCP को 37,000 करोड़ रुपए दिल्ली से लाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी सरकार की। हम उसको लागू करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को हमने तैयार कर लिया है, सरकार तैयार हो गई है और महिलाएं भी जाने के लिए तैयार हो गई। तो मैं दूध काटेंगे, अब तुमने मेरा दूध निकाल लिया 37,000 करोड़, उसके बाद भी चल रही है। देखो, किरोड़ीलाल मीणा का आरोप है कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और जिला कलेक्टर से लेकर अधीनस्थ कर्मचारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है अब उसकी पोल पट्टी खोली जाएगी, जांच होगी और जो भी घोटालों में शामिल मिला उसे बख्शा नहीं जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा का सपोटरा पहुंचने पर BJP कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ BJP सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया भी मंच पर दिखे। किरोड़ीलाल मीणा की ओर से 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर घर में दिवाली की तरह दीप जलाकर दिवाली मनाने की अपील की गई। बाबा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि अब राजस्थान में BJP की सरकार आ चुकी है, प्रदेश के हर शोषित वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। राजस्थान तक के लिए करौली से गोपाल माली की रिपोर्ट।